हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? कमल, आदित्य, मोनिका, बेटी, बेटा मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमल, आदित्य, विवेक, विशाल, बेटा बताओ। यस मैम, ठीक है नमन, थैंक यू बेटा। तन्वी जायसवाल, मोनिका सिंह, आयुष जांगिड, नमन गौतम, सुमेर सिंह, इंग्लिश, बच्चों टॉपिक है अपना टेंस। टेंस में फिलहाल चल रहा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बता दिया है पॉजिटिव सेंटेंस हो गए हैं अपने, पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं अपने, ठीक है। नेगेटिव कर लिया है हमने, नेगेटिव फॉर्म को भी कंप्लीट कर लिया है, इंटरोगेटिव फॉर्म को हमने कंप्लीट कर लिया है, कर लिया ना। और आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। या ये भी करवा दी थी क्या मैंने कल? ये भी करवा दी थी क्या मैंने? मैंने इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म भी करवा दी थी क्या कल? चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव जो फॉर्म है इसमें आपने पढ़ा होगा डू या डस पहले आएंगे, दोनों में से एक को चुनना है, प्लस सब्जेक्ट चाहिए, प्लस क्या चाहिए, नोट चाहिए, क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए डू डस पहले आ गए और नेगेटिव है इसलिए नोट आ गया। अच्छा कल मैंने पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं है। प्लस नोट और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर है तो। एक एग्जांपल बता देती हूँ। हाँ मैंने कल करा दिया था, ठीक है मैं भूल गई, है ना, कोई बात नहीं है, है ना। तो ये मैंने कल जो है कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को, तो समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार आप सभी बच्चे मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कि क्या कल जो हमने पढ़ा था वो आप सबको अच्छे से समझ में आया। कमल, आदित्य, नमन, रितिका, तन्वी, आदित्य, आयुष, विशाल, विवेक, मोनिका, रौनक, सुमेर सिंह, प्रवीण, साहिल, रीना, वंशराज, नवीन कुमार, विक्की यादव, थर्ड आदित्य सिंह। बेटा सभी को समझ में आ गया? ओके। कुछ बच्चे आंसर देते हैं, कुछ बच्चे आंसर ही नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। चुपचाप नहीं बैठे रहना है, जब आंसर मांगा जाता है तो आंसर देना है आप लोगों को। समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आ गया है तो सभी बच्चे फटाफट से एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। मैं सेंटेंस बोलती हूँ हिंदी में, आपको फटाफट से चैट में इंग्लिश में राइट करके मुझे बताना है कि इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, ठीक है। लिखो, पापा रोजाना खेत में जाते हैं, पापा रोजाना खेत में जाते हैं, फटाफट से बना के दिखा दो मुझे। पापा रोजाना खेत में जाते हैं, फटाफट से मुझे इसका ट्रांसलेशन करके दिखा दो। अगर ये टेंस समझ में आ गया है तो पापा रोजाना खेत में जाते हैं। नमन बना दे बेटा फटाफट। आयुष, योगेश, योगेश बना दो फटाफट से, फर्स्ट क्लास है योगेश की। साहिल, वंशराज, आदित्य, रीना, विक्की, सोनम बना दो बच्चों फटाफट से। मोनिका, वी कांट इन क्लास। नवीन, क्लास नहीं ली थी बेटा, अच्छा कांट अटेंड क्लास नहीं, कुडंट अटेंड क्लास,
नमन, नमन ने बना दिया है। वेरी गुड, नमन बिल्कुल ठीक है। तन्वी, तन्वी आपका गलत हो गया है बेटा। मोनिका, मोनिका का भी ठीक है। वेरी गुड, मोनिका का भी ठीक है। वेरी गुड, सुमेर सिंह का बिल्कुल ठीक है। योगेश, योगेश बेटा नहीं, रॉन्ग हो गया है। योगेश रॉन्ग हो गया बेटा। और फटाफट से बनाओ, फटाफट बनाओ, कोई बात नहीं। अरे गलत भी तो होगा, दोबारा से बता दूंगी। रितिका, रितिका गलत बना दिया बच्चे, गलत बना दिया, गलत हो गया आपसे, कोई बात नहीं है। और बच्चे आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सुमेर सिंह, रीना, विशाल, विक्की, आंसर दो। इसका मतलब आप सही से स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपको तो जो क्लास में मैंने पढ़ा दिया बस उसको पढ़ लिया, इसके अलावा आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इसलिए क्लास नहीं ले रही हूं आपकी। आयुष, आयुष ठीक है लेकिन डेली को खा गए, डेली को तो भूल गया है ना। साहिल, साहिल ने ठीक बना दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम बहुत सारे टेंस, सभी टेंस की स्टडी करेंगे, हर एक फॉर्म की स्टडी करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, मैशअप हो जाएगा, है ना। और आप लोग तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको कैसे समझ में आएगा। आप लोग ये मत सोचो कि आज का काम आज के आपके घर पर चेक नहीं हुआ या आपने टीचर को नहीं दिखाया तो मैम को पता ही नहीं चलेगा। मैम को हर एक बच्चे का पता है कौन कितना अटेंशन दे रहा है। मैं जब क्वेश्चन करूंगी हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए तुरंत, ठीक है। चलिए, हाँ मैंने क्या पूछा आपसे, पापा रोजाना रोजाना खेत में जाते हैं। ये सेंटेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि लगभग जो है घरों में ये सेंटेंस दोहराया जाता है ना, कि पापा खेत में जाते हैं। आप पापा को पापा लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पापा लिख दिया तो भी ठीक है, फादर लिख दिया है तो भी ठीक है, ठीक है। पापा लिख सकते हो, फादर भी लिख सकते हो। अब यहां पर देखो, पापा के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां पर नोट नहीं है, है ना। यहां पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, भाई यहां पे नहीं भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस आएगा और प्लस अगर हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। इतना सा हमारा फॉर्मूला है, इसे हमें फॉलो करना है। तो हमें क्या चाहिए, या तो हमें चुनना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आएगा। तो यहाँ पे पापा लिखा हुआ है, पापा क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर जो नंबर होता है, सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, गो, तो पापा गोज टू फार्म। भैया फार्म मीन भी खेत होता है और फील्ड मीन भी खेत होता है, कुछ भी लिख सकते हो, गो टू फार्म या गो टू फील्ड डेली, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तुषार ने भी भेज दिया है, लोकेश ने भी लिख दिया है और सही बनाया है। तुषार सही बनाया है, अच्छा तुषार ने गलत बना दिया। ये गो और गोस, बेटा ध्यान रखो, फादर लिख लो, पापा लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर गलत नहीं होगा। बात मेन है ये एस और ईएस में, कब से, पिछले तीन दिन से यही बात आपको समझा रही हूँ कि कहां पर आपको वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करना है और कहां पर एस और ईएस ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, दो रूल्स जो मैंने आपको बताए थे वो दोनों रूल पक्के वाले लर्न कर
कंडीशनल डू, जहां कंडीशन दी गई हो वहां पर डू। कंडीशन कौन सी वाली कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो डू निकल करके बाहर आ जाएगा। नेगेटिव रूल, योगेश क्या पूछा बच्चे, नेगेटिव रूल क्या, नेगेटिव का बताऊं क्या पूछा है, ठीक है सही से लिख के बताओ क्या पूछा है योगेश, नेगेटिव का रूल बताओ। देखो नेगेटिव का बता देती हूं मैंने आपको, ये तो इंटरोगेटिव का है। नेगेटिव का भी क्या बताया बच्चों मैंने, नेगेटिव भी मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट आएगा, अब क्या आएगा नेगेटिव जो सेंटेंस होगा तो डू डज का यूज होगा, डू या डज प्लस क्या हो जाएगा नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है तो ऑब्जेक्ट। जैसे कि पापा खेत में नहीं जाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, पापा खेत में नहीं जाते हैं पापा, अब देखो ई एस वाली फॉर्म यूज हुई है तो यहां पर क्या आएगा डज आएगा, यहां पर भी ई एस वाली फॉर्म यूज होगी, ठीक है पापा डज नॉट गो टू फील्ड डेली। अगर होता कि क्या पापा खेत में रोजाना जाते हैं तो डज फादर या पापा कुछ भी लिख लो, डज फादर गो टू फील्ड डेली, ठीक है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर होता कि क्या पापा रोजाना खेत में नहीं जाते हैं सो डज फादर गो टू, डज फादर नोट गो टू फील्ड डेली। अब एक सेंटेंस और बोल रही हूं फटाफट से, इसको भी बना के बताओ समझ में आ गया है तो। अब आप लोग बनाओगे सीमा और रीना, सीमा और रीना गाना गाती हैं, फटाफट से बना दो सीमा और रीना गाना गाती हैं। सेंटेंस मैंने बोल दिया है सीमा और रीना गाना गाती हैं, देखो सीमा और रीना गाना गाती हैं, अगर ये सही बना दिया तो मैं मान लूंगी कि आपको आ गया है। सीमा और रीना गाना गाती हैं, फटाफट से बना दो, नमन ने बना दिया है ओके गुड, सुमेर गलत हो गया बच्चे, मोनिका योगेश, योगेश का ठीक है मोनिका का भी ठीक है। बेटा ये सीमा और तो इंग्लिश में लिखा है ना, सॉरी और तो हिंदी में लिखा है, और तो इंग्लिश में और नहीं कहते एंड कहते हैं है ना, इसको ठीक कर लेना शाबाश, चलो ठीक है सीमा ठीक है और को एंड कर लो। ये साहिल बेटा रॉन्ग हो गया है, तन्वी का ठीक है, विक्की का भी रॉन्ग हो गया है, सोनम का ठीक है तुषार ठीक है बेटा। और बच्चे फटाफट आपका आंसर नहीं आ रहा है, आयुष ठीक है रॉन्ग है आयुष गाने को सिंग कहते हैं बेटा, गाना गाना सिंग स्पीक नहीं होता है, वैसे ठीक है आपका ओके। रितिका ठीक है, बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीना आदित्य वंशराज ने भेज दिया है, वंश बेटा गलत हो गया है, वंश रॉन्ग कर दिया बच्चे, मैंने आपको बोला था कि डू कब आएगा। साहिल ठीक है बेटा, ऐसे ही डरते रहते हो है ना,
डू का यूज तो बेटा कब होता है वंशल? डू का यूज होता है जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। लोकेश का आंसर आ गया है, ठीक है योगेश, ठीक है रौनक, ठीक है लोकेश का भी ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो बेटा फटाफट बताओ फिर मैं, ताकि नेक्स्ट जो टेंस है वो भी पढ़ाऊं। चलो बाकी के बच्चे चेक कर लेना जब मैं लिखूं। देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर रूल नंबर फर्स्ट में, रूल नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का नेम आए, अगर किसी का नेम आए तो वर्ब के साथ एस और ई एस जुड़ जाते हैं, एस या ई एस जुड़ जाते हैं, ये बताया था। लेकिन मैंने साथ में ही रूल नंबर फर्स्ट में ये भी बताया था कि अगर प्लूरल नाउन हो, अगर प्लूरल नाउन हो भाई, एक सीमा सीमा होती कि सीमा ही गाना गाती तो ये सिंगुलर नाउन था, तो ये सिंगुलर नाउन है। लेकिन सीमा और रीना, मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी दिया था, मेरी आवाज नहीं आ रही है साहिल, आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ वंश अब ठीक कर दिया, ठीक है वंश ठीक है, अब मेरी आवाज नहीं आ रही है। नमन आवाज आ रही है बेटा? वंश आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? लोकेश, आदित्य, विशाल, रितिका, तन्वी, रीना, आवाज आ रही है बेटा? साहिल आप अपना नेटवर्क चेक करो। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर देखो एक नेम होता है तो वो सिंगुलर नाउन में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर बेटा दो जने हो गए हैं, सीमा और रीना दोनों गा रही हैं, तो ये अब सिंगुलर नाउन नहीं है, अब ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। मैंने रूल ऐसे ही नहीं लिखवाए हैं, रूल जो लिखवाया है उसका मीन है, उसको समझो, उसको लर्न करो, ठीक है। सीमा और रीना गाना गाती है, सीधा सा है, बिल्कुल आसान सा, सीमा एंड रीना सिंगर सॉन्ग, सिंगर सॉन्ग, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? आया समझ में? हाँ आया समझ में सभी बच्चों को? आया तो थम्स अप दो फटाफट से, समझ में आ गया तो थम्स अप दो फटाफट से। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अब हम स्टडी करेंगे, तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट टेंस को स्टडी करने के लिए, है ना। किसने लगाया था? इसी लगा दिया था ना, इसको ऐसे ही नहीं लगाना है बच्चों, इसका नंबर अब आएगा वरना इस हो जाएगा आपसे नाराज, नाराज नहीं करना है अपने को इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया है नंबर। चलिए तो नंबर आ गया है, देखो कंटिन्यूअस, ओके साहिल को समझ आ गया है, मोनिका को समझ आ गया है, बाकी बच्चों ने जो है थम्स अप नहीं किया है, लोकेश को समझ आ गया है, और बाकी बच्चे भैया नहीं आया समझ में, विक्की को भी समझ आ गया, सुमेर सिंह को आ गया, आदित्य को आ गया, रितिका को आ गया, तुषार को आ गया, रौनक को भी आ गया है, तन्वी, वंशराज, आदित्य को आ गया है, और बाकी बच्चे योगेश समझ नहीं आया बेटा, रीना, नवीन बच्चों को आ गया है समझ में, चलो मैं मान के चलती हूँ सभी को समझ आ गया। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे लिख करके तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज दोबारा बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड नहीं किए लास्ट वाली, तो बेटा यूट्यूब पर राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल के नाम से चैनल है अपना, और उस पर सारे लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप अपनी क्लास डाल करके और इंग्लिश लेक्चर फर्स्ट सेकंड जो भी आपको देखना है, जो आपका मिस हो गया है वो आप डाल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वीडियो नहीं आ रहा है,
आई ना बेटा उसमें अभी आपकी क्लासेस ज्यादा लॉन्ग हुई नहीं है ना, थ्री दिस इज आई थिंक योर फोर्थ क्लास, थर्ड या फोर्थ क्लास है ये आपकी, आ जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग जो है आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, है ना। और अगर आप बच्चे देखना चाहते हो टेंस का फर्स्ट वीडियो तो आप नाइन्थ क्लास का देख लेना, टेंस का लेक्चर, उसमें नाइन्थ क्लास में भी मैंने टेंस पढ़ाया था तो उसमें देख लेना आप, या फिर आपका सिक्स सेवन्थ का मिल जाएगा। चलो आ जाओ कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं भाई। कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन की लगातार, कंटिन्यू मीन लगातार, यानी कि कोई काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी इसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस जो टेंस है वो पढ़े हैं, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन भी जैसे मैंने आपको लास्ट में सिखाई थी कि पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और फिर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, तो इन हिंदी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखो बेटा, हमें क्या करना है, सबसे सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा, हमें सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, या मिलेगा रहा हूं, ऐसे, ठीक है, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, लास्ट या एंड ऑफ सेंटेंस, इन द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में हमें ये लिखे हुए मिलेंगे। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इंग्लिश में पहचानोगे आप, मैं बताती हूं आपको कैसे, सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा इज या एम या आर और प्लस मिलेगा आपको वर्ब के साथ आई एन जी, ये इसकी पहचान है। मोनिका क्या लिखा बेटा, मैम आप फोर क्लास अटेंड नहीं करता है, 5:15 मैम ऐप फोर्थ क्लास अटेंड नहीं करता है, क्या लिखा है बेटा, मैं तो समझी नहीं, मोनिका क्या लिखा है, फोर क्लास अटेंड नहीं करता है, 5:15 तन्वी क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, इंटरनेट प्रॉब्लम होगी आपके पास में, एक बार ऑफ करके फिर से चला लो, ठीक है। इंग्लिश में ये आइडेंटिफिकेशन होगी। अब हम सीधा चलते हैं अपने वही, जैसे हमने लास्ट टेंस में पढ़ा था, पहले पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंटरोगेटिव और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मीन के हम काम को कर रहे हैं। अब बच्चों काम को कर रहे हैं, मैं आपको यहां बता देती हूं कि आई एन जी, आई एन जी का मतलब क्या होता है, आई एन जी का मतलब होता है रहा, रही, रहे, ये इसका मतलब होता है, आई एन जी का मतलब होता है रहा, रही, रहे, ठीक है। और ये जो इज एम आर इनका मतलब क्या होता है, इज मीन होता है बच्चों है, एम मीन होता है हूं, और आर का मतलब होता है हैं, सिंगुलर के लिए यूज होता है इज, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, आर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन एम जो होता है ये केवल आई के साथ ही यूज होता है, एम का फंडा है कि ये केवल आई के साथ ही यूज होता है,
एम जो होता है वो और किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। तो एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, इसका यूज सिंगुलर नाउन के लिए होता है या प्रोनाउन के लिए होता है, और आर का प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम पॉजिटिव जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले अब इसका राइट करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। किस फॉर्मूला को फॉलो करके आप जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेशन करेंगे, तो फॉर्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट चाहिए हमें, फिर इस एम आर में से एक को चुन लेंगे, चुन लिया, फिर हम क्या करेंगे वर्ब चाहिए हमें, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे हम अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग आती है पर अटेंड नहीं करते हैं, अरे बच्चों मैं तो डेली ले रही हूं, फोर्थ की तो डेली क्लास होती है बेटा, डेली होती है मोनिका, फोर्थ की क्लास हो रही है बेटा, आज भी चेक करवा देती हूँ अगर ऐसा कोई इश्यू है तो, फोर्थ की तो डेली क्लास हो रही है, आज चेक करवाती हूँ ना, अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि भाई क्लास आपकी ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो मैं आज चेक करवा देती हूँ, ठीक है। इस सॉरी हाँ, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही थी, सब्जेक्ट प्लस इसम आर में से कोई एक प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेती हूं मैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं पहला ले लेती हूं बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो कि नहीं, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना है, सेंटेंस के लास्ट में हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखनी है, रहा रही रहे में से आ रहा है, इसका मतलब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, ठीक है। चेंज करेंगे फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, सबसे पहले कौन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन होता है जो काम को करता है, तो यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है ना, पढ़ रहे हैं बच्चे, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, तो बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, देखो ऐसे जो पढ़ते हैं बुक लेकर के हाथ में और ऐसे पढ़ते हैं तो वो होती है बेटा रीडिंग, वो क्या होती है, रीडिंग। लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूं और आप क्लास ले रहे हो तो ये क्या है, स्टडी करना है, ठीक है। आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश की क्लास ले रहे हो तो ये क्या है, स्टडी करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, अब बताओ इस एम आर में से क्या आएगा, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस एम आर में से क्या आएगा, मैंने अभी बताया था प्लूरल के लिए क्या चुनना है, आर को चुनना है। सो चिल्ड्रन आर स्टडिंग, स्टडिंग इंग्लिश, स्टडी है आईएनजी लगा दिया साथ में, स्टडिंग हो गया, अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो गया, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको, आ गया समझ में, क्योंकि हमारा टाइम फिनिश होने वाला है इसलिए मैं फटाफट से आपको दे रही हूँ 5 sentences, और आप सभी बच्चे होमवर्क के 5 sentences नोट कर लीजिए बेटा, फॉर्मेलिटी नहीं है ये, सीरियस होकर के आप इन क्लासेस को अटेंड करें, जब मैं क्वेश्चन करूं तो आप सभी बच्चों का उसका आंसर आना चाहिए, या तो कोई आपको समझ नहीं आया तो आप पूछो, मैं क्लास में आती हूं, आप अपना जो है क्वेश्चनिंग रेडी रखा करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है तो आप जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका आंसर दो, क्या होगा, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, गलत होगा तो सही करना सीखोगे, है ना, तो बिना डरे आंसर सभी बच्चों को देना है, ठीक है। चलिए आई होप इस
होगी. सो नेक्स्ट 20 मोर वर्ब्स. 20 वर्ब और लर्न कर राइट करने हैं और लर्न करने नहीं है. अब आते हैं सेंटेंसेस पर. सो कंटिन्यूअस रिलेटेड सेंटेंस दे रही हूं. माँ खाना बना रही है या पका रही है. खाना पका रही है. सेकंड, मैं स्कूल जा रहा हूं. आप झूठ बोल रहे हैं. फोन नंबर राइट करेंगे. हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं. और 5 नंबर राइट करोगे. वह हमेशा सच बोलती है. चलिए ये 5 सेंटेंसेस हैं. मैम वर्ब फॉर्म करना है क्या? बेटा बिल्कुल. रितिका बिल्कुल. 20 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको करनी है. कैसे करनी है? जैसे गो वेंट गोन, कम केम कम, रीड रेड रेड, इस तरह से है ना. तीनों फॉर्म आपको राइट करनी है. और प्लस में आप बच्चे अपनी ही सुविधा के लिए आईएनजी वाली फॉर्म भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी जब हम ऐड करते हैं तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है या गायब हो जाता है ना. तो ये चीज जानने के लिए ठीक है. फटाफट से ये 5 सेंटेंसेस जो है नोट कर लीजिए. माँ खाना पका रही है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वह हमेशा सच बोलती है. ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं.